गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के गांव शकरपुरी निवासी मोहम्मद सगीर का 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तालिब 4 माह पूर्व सऊदी अरब में काम के सिलसिले में गया था। परिजनों के अनुसार लगभग 1 माह पूर्व उन्हें सऊदी अरब के शहर रियाद से सूचना मिली कि तालिब की मौत हो गई है। उन्होंने उसकी पुष्टि रियाद शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों व मिलने वालों से कराई तो सही पाई गई। तालिब की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के पिता सगीर अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके पुत्र की उसके शेख मालिक ने मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी। ने भारत सरकार से तालिब का शव भारत भेजने की मांग की थी। सोमवार को लगभग 3:30 बजे तालिब का शव गांव शंकरपुरी पहुंचा तो वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों का रोना सुनकर कलेजा मुंह में आ रहा था। पूरे गमगीन माहौल में तालिब को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ग्राम प्रधान तौफिक ने बताया कि तालिब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई है, जबकि उसके पिता का कहना है कि उसके बेटे को बेरहमी से शेख द्वारा मार दिया गया है। विधायक मनोज पारस के भाई धर्मेंद्र पारस, शेख जाहिद नायब, तहसीलदार श्याम सुंदर, किसान नेता आदिल जैदी, इकरार नेता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पूरा मामला ये है कि ये बच्चा सऊदी के अंदर काम पे गया था, अभी तकरीबन 3 महीने तक। इसने एक आरटीओ भी वायरल की थी कि मेरे साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे हादसा होने जा रहा है, मैं मुझे गोदाम में बंद कर रखा है वहाँ के सेफ में। तो उसको देखते हुए 2 दिन के बाद सूचना ये आ गई कि उसकी डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई उसके बाद में एजेंट से बातचीत हुई, कोई किसी चीज़ से कोई भी धोखा नहीं दे रहा था। फिर विधायक जी से बात हुई हमारे, तो विधायक मनोज पारस जी से, माननीय मनोज पारस जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मिल के वहाँ पे लेटर दिया कि भाई उस बच्चे को जो है मंगवाई जाए उसकी डेड बॉडी और उचित उसे मुआवजा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, जैसे इसकी मौत हुई है, ये क्या कुछ कह रहे हैं लोग कि आत्महत्या है, कुछ कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है, इसमें क्या लगता है आप? अब जैसे इसकी आरडीओ है जी, उससे तो साफ जाहिर है कि इसके साथ कोई ना कोई तेजी वहाँ पे हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बता रहे हैं मालूम? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी हाथों में आई नहीं, वहाँ मिलेगा, जब मिलेगी तो तब उससे क्लियर होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया। माननीय विधायक जी ने राज्यपाल महोदय को और माननीय जावेद अली खान जो है सांसद हमारे, उन्होंने जो है दूतावास विदेश मंत्रालय विदेश दूतावास में उसकी सूचना दे दी गई थी और यही प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी ये डेड बॉडी आ जाए और इससे उचित मुआवजा इसको इनके घर वालों को मिल जाए, इसके लिए सदा पूरा पूरा प्रयास करा जाए। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।